संबल में वृद्धाश्रम में बूढ़े व बुजुर्ग लोगों को उपहार भेंट कर कप्तान यमुना प्रसाद ने मनाया दीपोत्सव। जी हाँ, आपको बता दें, वे लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें परिवार के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारी, उनका समस्त त्योहार घर से दूर रहकर ही मनाए जाते हैं। जनता की सेवा में तत्पर पुलिसकर्मी अपना त्योहार छोड़कर हम लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दीपावली के पर्व को मनाने के लिए संबल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद बनैना स्थित वृद्धाश्रम में बेसहारा व घर से निकाले गए लोगों के साथ खुशियां बांटने पहुंचे, तो वहां रह रहे लोगों की आंखें एक साथ इतनी खुशी देखकर नम हो गईं। पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद ने बताया कि जिस तरह से हम पुलिसकर्मी घर से दूर रहकर अपना त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह बेसहारा बुजुर्ग पुरुष व महिलाएं भी घर से दूर रहकर त्यौहार मनाती हैं। ऐसे में खुशी बांटने आए मिठाई और उपहार बांटकर उन्हें जो खुशी मिली है, वे शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। वहीं दीपावली का पर्व शांति व शौहर्द का प्रतीक है। एक दूसरे की खुशी में शामिल हो, यही सच्चा पर्व है। हम सभी लोगों को एक दूसरे के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जनपद संभल में पुलिस परिवार की तरफ से आज वृद्धाश्रम में जा करके और वृद्ध बुजुर्ग महिलाओं बच्चों के साथ मिलकर के दिवाली सेलिब्रेशन किया गया है। सभी से जो दिवाली की खुशियां हैं उसको बांटा गया है। वो भी परिवार से दूर रह रहे हैं, हम लोग भी अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो इसी भावना को एक साथ लाते हुए कि सभी लोग एक परिवार की तरह रहें, और जैसे हम लोग अपने परिवार से दूर रह के पूरे समाज को अपना परिवार मानते हैं, उसी तरीके से परिवार के अंग के रूप में आज वृद्धाश्रम में आकर के हम लोगों ने दिवाली की खुशियाँ बांटी हैं, मिठाइयाँ दी हैं, और सभी के साथ ये अपेक्षा की है कि सभी लोग हंसी खुशी से और पूर्ण मनोयोग से त्यौहार मनाएं दीपावली की। सभी लोग खुश रहें और समृद्ध रहें, ग्रीन दिवाली मनाएं। धन्यवाद।